हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 4 में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी आप अगर हमारे इसी वीडियो पर आए हैं डायरेक्ट, तो आपको इससे पहली जो तीन एपिसोड हम बना चुके हैं उनको भी आप देखिए, ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आप रेलवे ALP की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो या फिर ITI के स्टूडेंट हो, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो तीनों वीडियो लिंक हैं उन पर जा करके वीडियो को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं और ज़्यादा व्यू आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो बढ़िया तरीके से बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस लेक्चर सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, उसमें लाइंस से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ रेलवे ALP या टेक्नीशियन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो लाइंस से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, ये आधार है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। क्योंकि हमें जब भी कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी होती है तो बिना लाइन के हम कोई ड्राइंग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन की अगर बात करें, लाइन क्या होती है, तो लाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आती है उसको हम लाइन कहते हैं, और इन्हीं लाइन का यूज़ किया जाता है ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन की, यानी लाइन जो होती है वो कितने प्रकार से उनको क्लासिफाई किया जाता है, लाइन कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, लाइंस को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, उनके थिकनेस के अकॉर्डिंग, लाइन मोटी है पतली है उसके लिए भी स्टैंडर्ड है, मोटी लाइन कौन सी होगी, पतली लाइन कौन सी होगी। और जो दूसरा जो उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है उनके यूज़ के आधार पर। होती वो मोटी पतली लाइन है, लेकिन उनको यूज़ कैसे करते हैं ड्राइंग में, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है लाइन्स का। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लाइन्स का, कैसी लाइन होती है, किस प्रकार से वो दिखती है, क्या उनके यूज़ होते हैं, तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो लाइन्स, कुछ लाइन्स के नाम आएंगे उनके यूज़ के आधार पर, ड्राइंग में हम उनको किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं और उनका क्या नाम है, उस प्रकार से वहाँ पर आएंगी। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो नाम आपको अपरिचित लगेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको वो नाम परिचित लगे, आपको लगे कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है और वो अच्छे से समझ में आए आपके, तो उसके लिए हमने पहले कुछ लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट लाइन्स जो आपको पता होनी चाहिए ड्राइंग में, कौन सी लाइन का क्या नाम होता है और क्या यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन करेंगे। तो उन लाइन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमने एक प्लेट ली है जिसमें एक स्लॉट है और यहाँ पर है एक होल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमने एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया हुआ है और नीचे फिर इसका हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। तो इधर से हम एलिवेशन देख रहे हैं, ये हमने एलिवेशन बनाया है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बनाया हमने यहाँ पर। इसका जब हम टॉप से देखेंगे, यानी इसका प्लान, तो टॉप व्यू देखने पर हमें कैसा व्यू दिखाई देगा, हमें क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो ये दो व्यू हमने बनाए हुए हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन भी है हमारे सिलेबस में, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे हम ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में। अभी जो हमारा मोटिव है उसको हम देखते हैं, हमारा मोटिव है लाइंस को पहचानने का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन, ये जो आपको ब्लैक में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जब हम इसको सामने से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें कौन सी आउटर लाइन दिखाई देंगी वही आउटलाइंस कहलाती है। तो ये ब्लैक में जो आपको दिखाई दे रही है इनको हम आउटलाइन, बाहरी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक सेक्शन का भी यूज़ किया है क्योंकि इसमें एक हैचिंग लाइन नाम से लाइन होती हैं उनको बताने के लिए। अब ये सेक्शन क्या है, ये जो प्लेट है इसको हमने यहाँ बीच से काट दिया, ठीक है। इस प्लेट को, ये जो आपको AA दिखाई दे रहा है, इस प्रकार हमने बीच से काट दिया। अब हम जिस औजार से इसको काटते हैं ड्राइंग में, उसको कटिंग प्लेन कहा जाता है, ठीक है। और जिस लाइन का हम यूज़ करते हैं उसको शो करने के लिए, उसको कटिंग प्लेन लाइन, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हैचिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जब ये प्लेट यहाँ से कट जाएगी तो हमें कैसी दिखाई देगी, तो अगर हम इसको काट दें यहाँ से
ये हिस्सा हमने यहाँ से काट दिया, तो हमें ये प्लेट कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, ठीक है। और जिस हिस्से को हमने काटा है, यानी जो हमें जो हिस्सा हमें दिखाई देगा कटने के बाद, जब हम इसको काटेंगे, जिस हिस्से के कांटेक्ट में हमारी जो आ रही है, जिससे हमने इसको काटा है, कटिंग प्लेन लाइन है, वो जहाँ जहाँ कांटेक्ट में आएगी उसके लिए हम ये तिरछी लाइनें खींचते हैं कुछ इस प्रकार। तो ऑर्थोग्राफी यानी 2D व्यू में हम ये तिरछी लाइनों से दिखाते हैं उसको, तो उनको कहा जाता है हैचिंग लाइन, ठीक है। जो लाइन सेक्शन को दिखाती हैं उनको हम कहते हैं हैचिंग लाइन्स, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक लाइन है वो क्या है, ये जो ड्राइंग थी इसमें डायमेंशन को जो लाइन दिखाती है, ये रेड में आपको दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं डायमेंशन लाइन, यानी विमा रेखा इनको कहा जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी ड्राइंग में कोई सर्कल है, उसकी जो हम रेडियस या फिर उसका जो डाया व्यास या त्रिज्या जो हम दिखाते हैं, इस प्रकार से तिरछी लाइन से दिखाते हैं, जैसे ये तिरछी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, तो ये जो तिरछी लाइन है इसको कहा जाता है लीडर लाइन, ठीक है। क्या कहा जाता है, लीडर लाइन, ओके। इसके बाद ये जो यहाँ पर डायमेंशन लाइन जहाँ पर रुक रही है, यानी जिन लाइंस के द्वारा हम डायमेंशन लाइन को रोकते हैं, ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये कहलाती है एक्सटेंशन लाइन, यानी प्रसार रेखा हम इनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले हम ड्राइंग में एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू बनाते हैं, जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें क्या व्यू दिखाई देगा, तो हम सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू के बाद हम बनाते हैं प्लान यानी उसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, यानी जो उस ऑब्जेक्ट में, उस प्रोडक्ट में जो चीज़ें हैं, होल है, स्लॉट है, उनकी लोकेशन कहाँ पर होगी उसको प्रोजेक्ट करते हैं हम, और उन्हीं प्रोजेक्शन लाइन, तो इन लाइन को क्या कहा जाता है, इन लाइन को कहा जाता है प्रोजेक्शन लाइन, जिन लाइनों के द्वारा हम एक व्यू से प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप लेके जाते हैं उनको कहा जाता है प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने बताया जिस लाइन के द्वारा या जिस प्लेन के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को कटा हुआ, अब कटा हुआ क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें उसमें इंटरनल डिटेलिंग चाहिए, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, तो ये हमें आउटर सरफेस तो दिख रही है इसकी, लेकिन हमें इसका इंटरनल डिटेल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं से भी काटा हुआ मानते हैं, ठीक है। ये सेक्शन है तो ये नहीं आएगा टॉपिक, तो फिर भी आपको समझा देते हैं, ये सेक्शन, इसको हम सेक्शन कहते हैं, किसी एलिमेंट को हमने कहीं से काट दिया और काटने के बाद हमें उसकी इंटरनल डिटेल दिख जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं इंटरनल डिटेलिंग ज्ञात करने के लिए। तो जिस आरी से, यानी जिस, अब ड्रॉइंग में क्या होता है, वो आरी ड्रॉइंग में होती है लाइन या प्लेन, तो जिस प्लेन से काटते हैं उसको कहते हैं कटिंग प्लेन, और जिस लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है उसको कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन, ये ड्रॉइंग में हमने दिखाई हुई है, ठीक है, इसको कहा जाता है कटिंग प्लेन लाइन। तो ये कुछ लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक है ड्राइंग का, ठीक है। ये जो लाइन के टाइप हुए हैं, ये इनके यूज के आधार पर हुए हैं, उपयोग के आधार पर हुए हैं। ये अभी क्यों बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी टाइप्स ऑफ लाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन करेंगे, तो उनमें ये नाम आएंगे, ठीक है। तो ये नाम क्या है आपको पहले ही पता होने चाहिए, तभी तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इन नाम को आपको परिचित कराने के लिए ही सबसे पहले आपको ये समझाई गई है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये लाइंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। तो मैंने आपको बताया लाइन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, लाइन की मोटाई के आधार पर और दूसरा यूज के आधार पर उनका क्या उपयोग है। इनसे अलग भी कुछ लाइंस होती हैं जो स्पेसिफिक होती है, वो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स की। लाइन्स को 10 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जितनी भी लाइन यूज होती हैं किसी भी ड्राइंग में, तो सभी लाइन उन 10 ग्रेडिंग के अंदर ही आती हैं। तो इनको ग्रेडिंग में अल्फाबेट से यूज किया हुआ है, ए से लेकर के के तक, ठीक है। 10, इसमें ध्यान रखें इसमें आई जो वर्ड है वो नहीं है, क्योंकि आई भी एक लाइन के तरह ही होता है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आई वर्ड को यूज नहीं किया गया है, अन्यथा ए से लेकर के तक लाइन को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ए टाइप लाइन, बी टाइप लाइन, सी टाइप लाइन, और इस तरीके से के तक के। अब हम पढ़ते हैं सभी लाइन्स के बारे में इंडिविजुअली, अलग अलग लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं।
सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहली दो जो प्रकार की लाइन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया है कुछ ऐसे, पहले डिस्क्रिप्शन विवरण यानी लाइन का नाम क्या है, वो दिखने में कैसी होती है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है सतत मोटी रेखा यानी कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, जो कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है वो इन कंपैरिजनली अदर लाइन्स, अन्य लाइन्स के कंपैरिजन में मोटी होती है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो थिक और थिन है वो हम किस बेस पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के बेस पर कह रहे हैं, जो लाइन किसी अन्य लाइन के कंपैरिजन में मोटी होती है उसको हमने थिक बोल दिया है, और जो लाइन थिन होती है, पतली होती है, उसको हमने थिन बोल दिया है। अब क्या इसका कोई स्टैंडर्ड है थिक लाइन और थिन लाइंस का, यानी कितनी मोटी रेखा को थिक बोलेंगे और कितनी पतली रेखा को थिन बोलेंगे? उसके लिए चार स्टैंडर्ड हैं। वो डिपेंड करता है, वैरी करता है ड्राइंग टू ड्राइंग पर। ड्राइंग अगर बड़े साइज की है तो जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो उसके चार स्टैंडर्ड हैं, जिसमें 1.2 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर एंड 0.3 मिलीमीटर। तो ये चार स्टैंडर्ड हैं जिनके द्वारा आप बोल सकते हो थिक एंड थिन लाइन। मतलब अगर आप 1.2 मिलीमीटर थिक लाइन ले रहे हो तो सारी लाइन इसी ग्रुप की होंगी, फिर थिन भी इसी ग्रुप की होगी। और ये ध्यान रखना है, जो थिक और थिन लाइन होती है उनमें हमेशा ट्वाइस का रेशो होता है। यानी अगर कोई थिन लाइन 1 मिलीमीटर की होती है तो थिक लाइन 2 मिलीमीटर मोटी होगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, इसी के बेस पर हमने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया है थिक एंड थिन का। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली लाइन सतत मोटी रेखा, जो थिक लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। और इसके दो यूज हैं, A1 और A2 के नाम से हमने इसको बता दिया है, डिनोट कर दिया है। विजिबल आउटलाइन, दृश्यमान रेखा, और विजिबल एज। अब ये क्या है, विजिबल आउटलाइन और विजिबल एज। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक प्लेट बनाएं, मान लेते हैं ये एक प्लेट है हमारे पास, तो आप ये जो देख रहे होंगे ये बाहर वाली लाइन्स, ठीक है, ये सभी क्या हैं, विजिबल आउटलाइंस हैं। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी क्या हो रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम कहते हैं विजिबल आउटलाइंस। तो फिर इनविजिबल कौन सी है, तो ये जो प्लेट की पीछे वाली लाइन है जो मैं यहाँ ब्लैक में बना रहा हूँ, ये वाली लाइन इनविजिबल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विजिबल आउटलाइन और विजिबल एज, मतलब जो एज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाला किनार, ये वाला किनार, ये वाला किनार, ये किनार आपको दिखाई दे रहे हैं आउटर से किसी भी व्यू से, लेकिन ये वाला किनार आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनविजिबल। यानी विजिबल किनार कौन से होते हैं, जो किनार हमें किसी व्यू में दिखाई देते हैं उनको विजिबल किनार कहते हैं। तो विजिबल किनार हो या विजिबल आउटलाइन हो, उनको हमेशा थिक लाइन बनाया जाता है ड्राइंग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगली लाइन पर। सेकेंड लाइन है कंटिन्यूअस थिन और स्ट्रेट लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी है, कंटिन्यूअस थिन, स्ट्रेट और कर्व लाइन, सतत पतली रेखा। ये सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्रयोग क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, देखते हैं। B1 इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी अगर कोई दो एलिमेंट, या फिर ये कहें जैसे मेरे पास ये एक एलिमेंट है, तो इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्शन करेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम इसी लाइन से ड्रॉ किया जाएगा, थिन लाइन से। ठीक है, और नंबर B2 है डायमेंशन लाइन और विमा रेखा। विमा रेखा हमने अभी पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले मैंने वही बताया था आपको, प्रोजेक्शन लाइन भी बताया था आपको, लीडर लाइन भी बताया था, एचिंग लाइन भी बताया था, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन ये नहीं बताया था। आउटलाइन ऑफ रिफोल्ड सेक्शन क्या होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन, तो मैंने सेक्शन के बारे में आपको बताया था कि अगर हमें किसी एलिमेंट की इंटरनल डिटेल चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं से भी काटा हुआ माने जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कहीं से भी, तो अब कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके आधार पर किन्हीं एलिमेंट्स को काटा यानी सेक्शन किया जाता है, स्टैंडर्ड होते हैं। तो उनमें से एक स्टैंडर्ड है रिवॉल्व सेक्शन, मतलब कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं उनको स्टैंडर्ड कहा जाता है, तो उनमें से एक होता है रिवॉल्व सेक्शन। अब ये रिवॉल्व सेक्शन क्या है, रिवॉल्व सेक्शन कुछ इस तरीके से, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, तो इसका मैं सामने का दृश्य अगर बनाऊंगा, तो सामने का जो इसका व्यू होगा जिसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें इस मार्कर का। ठीक है, अब हमें इसका सेक्शन करना है, और इसके सेक्शन करने के लिए हमें दिखाना है इसकी क्रॉस सेक्शन यानी इसका अनुप्रस्थ काट कैसा है। ठीक है, तो
तो 2D फिगर में तो हम यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, हमें इधर कोई व्यू बनाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रिवोल्व सेक्शन कर देते हैं। रिवोल्व सेक्शन मतलब देखो क्या किया, इसको हमने यहाँ से काटा, ठीक है, इसको हमने यहाँ से काटा, और यहाँ से काट के जो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगी, ये इस तरीके की क्रॉस सेक्शन दिखाई देगी हमें, इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को हम इसी के अंदर 90 डिग्री घुमा देते हैं, ऐसे है क्रॉस सेक्शन, फिर हम इसको 90 डिग्री इसी के अंदर घुमा देते हैं, इसको कहा जाता है रिवोल्व सेक्शन। ठीक है, आपने सेक्शन भी कर दिया और उसको फिर रिवोल्व कर दिया, घुमा दिया, तो इसको कहा जाता है रिवोल्व सेक्शन। ठीक है, तो यानी अगर ये शाफ्ट सर्कुलर सेक्शन की है तो कुछ इस तरीके से इसको कहा जाता है रिवोल्व सेक्शन। ठीक है, अब ये जो रिवोल्व सेक्शन की आउटलाइंस है, ये जो रिवोल्व सेक्शन की आउटलाइन है वो भी इसी थिन लाइन से बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी एलिमेंट में बहुत छोटा सा होल है, फॉर एग्जांपल यहां एक प्लेट है हमारे पास, तो इसमें ये चार होल हैं छोटे छोटे, तो जब हम इसके 2D डायग्राम बनाएंगे, यानी यहां से मैं इसका प्लान बनाता हूं, तो प्लान कुछ ऐसे बनता है। तो इनकी जब हम सेंटर लाइन बनाते हैं तो सेंटर लाइन डॉटेड लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेंटर लाइन को कैसे बनाते हैं। तो जो छोटे होल होते हैं उनकी सेंटर लाइन को सिर्फ एक लाइन से डिनोट कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो उनको भी किससे, इस कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से डिनोट किया जाता है। तो ये दो प्रकार की लाइन है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम इससे अगली जो लाइन्स हैं उनको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर तीसरी यानी थर्ड जो सी टाइप की लाइन है वो है कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड, सतत मुक्त हस्त पतली रेखा। और इसको कैसे बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये फ्री हैंड होती है, स्ट्रेट नहीं हो पाती है, क्योंकि फ्री हैंड जब बनाते हैं तो लाइन में थोड़ा सा कर्व आ ही जाता है। तो ये कहाँ यूज होती है, लिमिट ऑफ पार्शियल और सेक्शन। अब ये क्या है, लिमिट ऑफ पार्शियल और सेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने किसी एलिमेंट को किसी असेंबली यानी कोई मशीन है उससे अलग किया है, तोड़ करके अलग किया है, तो वहां पर मान लेते हैं जैसे ये एक सिलेंडर है जो इस प्लेट पर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है जो इस प्लेट पर रखा हुआ है, हमने क्या किया, यहां से इसको तोड़ करके निकाल दिया। ठीक है, तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बच गया, ये प्लेट यहाँ से तोड़ करके हमने निकाल दी। बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि जब हमें उसकी डिटेलिंग चाहिए होती है तो वहाँ से निकाल देते हैं एलिमेंट को। तो ये जो अब हम यहाँ पर इसका ड्राइंग जो ड्रॉ करेंगे, जैसे हम इसका प्लान ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है वो इसी लाइन के द्वारा बना जाती है फ्री हैंड। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनाई जाती, फ्री हैंड बनाई जा सकती है। ठीक है, अब ये ऐसे भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार से भी। ठीक है, ऐसे तोड़ के हमने इसको निकाला, तो ये इस तरह की जो लाइन होती है वो फ्री हैंड बनाई जाती है, स्केल से नहीं बनाई जाती है। यानी जहाँ से हम किसी एलिमेंट को तोड़ करके अलग निकालते हैं या काट करके अलग निकालते हैं, वहाँ से लाइन कुछ इस प्रकार फ्री हैंड वाली C1 टाइप की लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर डी की जो लाइन है, नंबर डी है कॉन्टिन्यूअस थिन स्ट्रेट विद जिगजैग। ये सतत पतली रेखा होती है सीधी तथा जिगजैग के साथ, और ये कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। यूज कहाँ होता है इसका, लॉन्ग ब्रेक लाइन में। अब ये लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल हमने काटा है अगर इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो उसको डिनोट करने के लिए अपनी ड्राइंग पर हम इस लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट है ई डैश्ड थिक लाइन, और नंबर एफ है डैश्ड थिन लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइंस का यूज सेम ही होता है हिडन आउटलाइंस में और हिडन एजेस में। थिक लाइन में ये जो लाइन है वो मोटी बनाई जाती है, और छोटे छोटे डैश, इन डैशेज की जो लंबाई होती है अप्रोक्स 2 से 3 mm, और बीच का जो गैप होता है वो अप्रोक्स 1 mm रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो लाइन है एफ टाइप की जो लाइन है वो भी इसी प्रकार की होती है, लेकिन उसकी जो मोटाई होती है वो
कम होती है, इसलिए उसको डैश थिन कहते हैं। यूज दोनों का सेम ही है, हिडन आउटलाइंस में या हिडन एजेस में। अभी हमने जैसे अभी बात करी थी विजिबल आउटलाइन और विजिबल एजेस, तो इसके में आपको मैंने समझाया था कि ये जो पीछे वाली लाइन्स है जो हमें सामने से दिखाई नहीं दे रही है, यानी व्यू में जो लाइन दिखाई नहीं देती बाहर वाली लाइन, उनको कहा जाता है हिडन आउटलाइन, या जो कॉर्नर दिखाई नहीं देते किसी व्यू में उनको कहा जाता है हिडन एजेस। तो क्या होता है, उनको फिर हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, इस प्रकार की लाइन से। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, ये कुछ इस प्रकार से एच टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो जब मैं इसका ये राइट साइड व्यू बनाऊंगा, ये राइट साइड व्यू बनाऊंगा, तो राइट साइड व्यू कुछ ऐसे बनेगा। जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देखो जब मैं इधर से इसको देख रहा हूँ तो ये जो ये वाली लाइन है अंदर जो ये स्लॉट है मुझे दिखाई नहीं देगा जब मैं इसको इधर से देखूंगा, लेकिन वो एलिमेंट में है सही, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसके लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ये लाइन है ई टाइप और एफ टाइप की लाइन, वो इस जगह पर यूज होती है ड्रॉइंग्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लाइन है उनको पढ़ाई नंबर जी है, लाइन नंबर जी है चैन थिन लाइन, ये इस प्रकार से डिनोट की जाती है। एक इसमें बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है। ध्यान रखें इस बड़े डैश की लंबाई 15 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर हो सकती है और इस छोटे डैश की लंबाई 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर हो सकती है। स्पेसिंग इसमें भी 1 मिलीमीटर ही होगी, यानी बीच में जो गैप है ये भी अप्रोक्स 1 मिलीमीटर रहेगा। इसका यूज़ क्या होता है, सेंटर लाइन्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास उनकी केंद्र रेखा खींचने में, लाइन्स ऑफ सिमेट्री और ट्रैजेक्टरीज, ये क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट है हमारे पास, ये एलिमेंट है हमारे पास, ये किसी एक पॉइंट के अबाउट इस तरीके से, कोई मशीन है जिसमें एक एलिमेंट है वो इस प्रकार से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ कैसे दिखाएंगे हम, कुछ ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो इसकी एक्शन लाइन है, ये इस एलिमेंट की जो एक्शन लाइन है इनको कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब है कि इसके बार बार ऐसे ही प्रतिबिंब यानी सममित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो इन लाइन को कहा जाता है लाइंस ऑफ सिमेट्री और इन प्रतिबिंबों को कहा जाता है सिमेट्री प्रतिबिंब, सममित प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद है ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी क्या होता है, प्रक्षेप पथ होता है, यानी ये जो ये लाइन है, ये जो एलिमेंट है वो किस कर्व पथ पर क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, किस कर्व पथ पर वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, इसको ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। तो इस प्रकार की लाइन और ये जो ये लाइन है सेंटर लाइन, जो एलिमेंट मूवेबल है, ये जो लाइन है इनका यूज़ किया जाता है इस प्रकार से, यानी इनको जो डिनोट किया जाता है इस प्रकार की लाइन से डिनोट किया जाता है, जिसका नाम है चेन थिन लाइन, ठीक है। उसके बाद है एच टाइप की लाइन, चेन थिन थिक एट एंड्स, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये सेम है जैसे वो ऊपर वाली लाइन है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि सिरों पर से मोटी होती है, ठीक है। और इनका यूज़ होता है कटिंग प्लेन लाइन में, तो मैं कटिंग प्लेन लाइन आपको बता चुका हूँ कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है। इसके बाद जे टाइप की है चेन थिक, इसमें देखें, इसमें ध्यान रखें आई टाइप की लाइन नहीं होती है, क्योंकि लाइन और आई दोनों की जो शेप है वो एक सी ही होती है, तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आई नहीं रखा, कोडिंग हमने सीधा रखा है जे। चेन थिक लाइन ये क्या होती है, ये चेन लाइन ही होती है लेकिन ये मोटी रेखा होती है, ठीक है। जो स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं किसी भी असेंबली में या किसी ड्राइंग में, जो स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं, विशिष्ट जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके लिए इस लाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लाइन बचती है के लाइन, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस लाइन का नाम है चेन थिन डबल डैश्ड, ठीक है। जैसे ये चेन थिन अभी हमने लाइन पढ़ी थी उसमें सिंगल डैश था, इसमें डबल डैश है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इंडिकेशन ऑफ सरफेस, हमें किसी ड्राइंग में अगर सरफेस यानी सतहों का इंडिकेशन करना है उसके लिए यूज़ होता है। एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ मूवेबल पार्ट्स, अभी हमने एक मूवेबल पार्ट्स की यहाँ ड्राइंग कुछ इस तरीके से, एक मूवेबल पार्ट था जो इस तरीके से मोशन कर रहा था, तो इस पार्ट की जो एक्सट्रीम नहीं सबसे लास्ट वाली पोजीशन है ये वाली और ये वाली, तो इन लाइनों को भी
इस डबल डैश लाइन से बनाया जाता है। सेंट्रोइडल लाइन, सेंट्रोइडल लाइन क्या होती हैं, जो लाइन सेंट्रोइड से होकर के जाती हैं, जो लाइन सेंट्रोइड से होकर जाती हैं उनको कहा जाता है केंद्रक रेखा, सेंट्रोइड लाइन, सेंट्रोइडल लाइन। इन लाइन को डिनोट करने के लिए माध्यिकाएं भी कहा जाता है, त्रिभुज की बात करें। इन लाइन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल डैश थिन लाइन का, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर फोर, इनिशियल आउटलाइन प्रायर टू फॉर्मिंग, यानी जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्ट फर्म लाइन ड्रॉ ना करके हम उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी पहले हम इस लाइन से एक बेस तैयार कर लेते हैं ड्राइंग का, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम फर्म लाइन ड्रॉ करके ड्राइंग को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद है लास्ट है पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन की अभी हमने बात करी थी, जिस प्लेन से हम किसी एलिमेंट को काटते हैं उसको बोला जाता है कटिंग प्लेन। इसके सामने अगर कोई पार्ट है उसको भी इन लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये कुल 10 प्रकार की लाइन थी, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे और के, आई से नहीं, जे और के से डिनोट की जाती है। उनका यूज़ क्या क्या होता है और कैसे वो दिखाई देती हैं, ये सभी हमने पढ़ा इसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।